बैठी गोड़ दबा दी खैनी है कि ना खैनी है और खैलिया करते शुरुआत में अच्छा अच्छा होता है बैकलॉल सबको कौन समझाए पूछता है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है रे बबू इतना टाइम है अपना शकल देखने को है <laughs> हमारी इंगेजमेंट हो गई है बाबू पिछले दो साल पहले समझ में आ गया और जिनकी गर्लफ्रेंड होती है ना बबू वो कभी भी इतना आगे नहीं जा पाते हैं कि इंडिया लेवल तक अपनी पहचान बना लेते हैं छब्बीस साल एज है मेरी छब्बीस साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह जाते हैं आज इंडिया में लोग पता है आपको नरेंद्र मोदी के मंत्रालय से कॉल आया और कहें कि क्या चीज वहां पे थी टैंक उनका नाम पता नहीं क्या अग्रवाल था कि सर हम हम किसानों के लिए बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं लेकिन मेरी बात किसान मानिए नहीं रहे आप प्लीज एक हमारी ओर से वीडियो बना दीजिए तो हम उनसे बोले हैं कि आप अपना आर्गूमेंट लिख के भेजिए हम वीडियो बना देंगे समझ में आ गया ना तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना वो कभी इस मुकाम पर नहीं जा सकते हैं अगर आपको काबिल बनना है ना बाज की तरह उड़ना है तो बार बार

कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां मारा देखे महाभारत करा के रख दिया कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे भगवान तब ही कहलाएं जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना उस दिन दुनिया आपको देखेगी आप भी अपने क्षेत्र में मकाम हासिल करेंगे सर में आएगी नहीं आएगा महाभारत पढ़िए गीता पढ़िए वो क्या कह चाहता है वो सुनिए क्या अगर केवल कृष्ण भगवान गोपियों के साथ घूमते रहते वृंदावन में तो कोई उनको भगवान कहता नहीं लेकिन उन्होंने उसके बाद इतना जीवन शुरू किया कि लोग उनके महानता को देखकर उन्होंने जो बचपन में बदमाशिया किया था उन्हें लोग आज हंसी के पात्र मनाते हैं उन्हें कोई गलत नहीं बोलते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब गलत चीजें